नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चल रहे हैं तावोर की तरफ, जो कि सतना में स्थित है। कहते हैं कि वनवास के दौरान श्री राम जो है उसी रास्ते से गुजरे थे और कुछ समय भी बिताए थे, इसलिए उस क्षेत्र को, उस वन के हिस्से को राम वन कहते हैं। तो चलिए विजिट करते हैं उस मंदिर को, जहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी की, राम जी की और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई। देखिए सामने बोर्ड भी दिख रहा है, हमें जाना है सतना। हम मैहर वाले रूट को छोड़ देंगे, आगे से हम टर्न हो जाएंगे सतना वाले रूट में। हाँ बेटा, ये देखिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, डायरेक्शन से आएंगे अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया सतना वाला टर्निंग, यहाँ से हम लोग को टर्न हो जाना है। यहाँ पे थोड़ा राइट मुड़ने का कोई हिस्सा है यहाँ पे, कहाँ से मुड़ेगा भाई, बंद है लगता। Next right to stay on National Highway 30, then turn left. कहाँ से आगे से? ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजन पड़ा है। ये बहुत बढ़िया बनाया है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे बहुत सारे रोड के जाल थे, तो यहाँ से हमें फिर से NS-39 में आ जाना है। ये NS-39 में आ गए हम लोग, NS-30 से। Continue on National Highway 39 for 19 kilometers. ये देख रहे हो सामने से कैसे आ रहा है, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ता है, ये रॉन्ग वे से आ रहा है। रोड में आपको बहुत सारे पूजा के दुकान मिल जाएंगे। सेकंड लेफ्ट यहाँ से नहीं, हाँ ये पहला लेफ्ट हो गया, ये सेकंड लेफ्ट। ये देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं रामवन के मुख्य गेट के पास, और यहाँ पे कार पार्किंग का लग रहा है 20 रुपए। चलिए चलते अंदर, ये है इसका मुख्य गेट। तो आइए मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ की सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं। ये बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, और रामवन के जस्ट बगल में ही स्थित है एक तालाब, और उसके बगल में एक प्राचीन मंदिर। ये देखिए कितने बड़े दायरे में इसका विस्तार है, इसलिए इसको भ्रमण करने में पूरा का पूरा दिन लग जाता है। तो आइए चलते हैं भीतर और दर्शन करते हैं भगवान राम के। ये है इसका प्रवेश द्वार, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। ये हम लोग भीतर प्रवेश कर गए राम मंदिर के। यहाँ पर श्री राम जी वनवास के दौरान गुजरे थे, इसलिए ये वन प्रसिद्ध है और रामवन नाम से जाना जाता है। आ जाओ बेटा, शुरुआत करते हैं इस साइड से। यहाँ दाहिने साइड में एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर मूर्तियों को इस तरह से बनाया गया जैसे ये जीवंत हो गया हो। ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का किस प्रकार से मूर्ति के स्वरूप में चित्रण किया गया, जैसे ये मानो जीवंत हो गया हो। ये गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण पूरे के पूरे गांव को इंद्र भगवान के गुस्से से, क्रोध से बचा रहे हैं।
देखिए ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। हाँ ये हाफ हाफ कितने सुंदर तरीके से बनाया गया इस मूर्ति को देखिए। वो देखिए सामने में हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा दिख रही है। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी है। यहाँ देखो बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। हम इससे पहले आए थे 4-5 साल पहले, उस समय ये सब कुछ भी नहीं था और आज बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें बन गई है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई है साइड साइड में। जैसे ये देखिए शुभ, इधर आओ, देखो साइकिल आ रहा है, इधर आओ, चलो इधर आगे चलो, आगे चलो। ये देखिए ये हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा। इस पे पैर रखो बेटा, ये वाले पे देखो। हाँ ये वाले पे पैर रखो, इस वाले पे। हाँ यहाँ पर इस पार्क के दीवारों में देखिए बैठने के लिए बनाई गई है गुप्त कुर्सियाँ। ये देखिए छिपी हुई कुर्सियाँ हैं, पता ही नहीं चला कि यहाँ कुर्सियाँ भी हैं। ऊपर भी एक प्रतिमा है, ये देखिए। और यहाँ पर ये मूर्तियों के द्वारा चित्रण किया गया है। सुब बेटा इधर आ जाओ, इधर से चलना है। पूरे रामवन परिसर में हमें लगभग 2-3 पार्क मिले, जिसमें से एक पार्क ये भी है जिसमें बहुत ही अद्भुत तरीके से मूर्तियों को जगह जगह पर स्थापित किया गया था और वो कहानियों को प्रदर्शित कर रही थी। ये उस काल की कहानियों को बता रही थी, उस समय की घटना की व्याख्या कर रही थी। ये देखिए यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर नुमा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी चित्रण किया गया है। ये शंकर भगवान की प्रतिमा है और यहाँ पार्वती जी बैठी हुई है और साथ में ये उनका प्यारा बैल भी है ना, उन्हीं का है ना ये बैल। और ये शिवलिंग भी है। ये चारों ओर का नजारा कितना शानदार है। ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी मूर्तियाँ बना करके चित्रण की गई है। और ये रहे राम जी की प्रतिमा है यहाँ पर। और यहाँ भी दो मूर्तियाँ स्थापित की गई है, एक है श्री राम जी की और एक है सीता मैया की, जो वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे। ये देखिए ये पार्क कितना सुंदर लग रहा है, मगर शायद भीतर जाने की मनाही है,
मैं आपको बाहर से ही यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, बीच में श्री राम जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो भोलेनाथ जी की एक शिवलिंग है, उसकी पूजा यापना कर रहे हैं। और नीचे में मोर की कुछ मूर्तियाँ भी स्थापित की गई है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है कमल के फूल पर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। नहीं चलता है। देखिए, हम लोग अल्प आहार लेने के बाद फिर से बाहर आ गए हैं। और चलिए चलते हैं तालाब की तरफ। ये देखिए, पूरे के पूरे परिवार की मूर्ति एक साथ, शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान और दोनों की सवारी चूहा और मोर, और साथ में पार्वती जी का सवारी शेर और शंकर भगवान का सवारी वो बैल, और वो साइड में शायद हनुमान जी की मूर्ति है। वाह, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया इस मूर्ति के द्वारा। उस तालाब की तरफ बढ़ने से पहले आइए यहाँ की पैरानोमिक व्यू देख लेते हैं। रामवन बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा परिसर है इसका। घूमते घूमते आप थक जाएंगे, पूरा का पूरा दिन लग जाता है। ये देखिए, यहाँ का तालाब है, जस्ट रामवन के बगल में स्थित है ये। और चारों तरफ सिर्फ कमल के पौधे दिख रहे हैं, मगर कमल का फूल एक भी नहीं है। और इसी तालाब के पिछले हिस्से में स्थित था ये ऐतिहासिक मंदिर, जो अपने आप में लाजवाब था। सूर्य भगवान भी अब लगभग अस्त होने वाले हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे से झांकते हुए सूर्य भगवान, कितना शानदार दृश्य लग रहा है ये, बहुत ही मनोहर। फाइनली हम लोग विजिट कर लिया, अब एग्जिट हो रहे हैं। ये देखिए, रामवन मंदिर में हमने प्रवेश किया था सुबह में 10 बजे लगभग, और लौटने में लगभग बज गए 5। इतना बड़ा दायरा है रामवन मंदिर का कि घूमते घूमते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। नमस्कार।
बताओ सोम्या कहाँ सुसु? भैया सुसु कहाँ की है? बताओ